अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक राम अवतार सुलचानी के नेतृत्व में उपायुक्त तथा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रभात, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने हम राम अवतार सुलचानी है। अखिल भारतीय मनरेगा जो सहयोग मंच है, इसका प्रदेश का संयोजक और राष्ट्रीय सह संयोजक, साथ ही हमारे जितने मनरेगा के आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में सितंबर तक केवल 20 दिन काम मिला, केवल 20 दिन काम मिला हमारी पूरे साल में, पूरा अभी सितंबर तक आप देखिए 8 महीने 9 महीने हो चुके हैं, केवल 20 दिन। पूरे हरियाणा में 282,268 मनरेगा में काम करते हैं, ये इतने लोगों का प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं लोग। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, एक अगस्त को हमने सभी डीसीज को ज्ञापन दिए, हमने कहा मुख्यमंत्री साहब से हमें मिलवाइए। हमने रणबीर गंगवा को दिया, हमने कमल गुप्ता को दिया, कमल गुप्ता तो भड़क गए जब हमने रिसीविंग मांगी, कहने लगा कानून में उलझा हुआ है हमने, तो हम कह रहे कानून में नहीं उलझा रहे, मजदूर रोजी रोटी का लिए काम कर रहा है। सबसे पहली मांग, पूरा साल काम लेंगे, 600 रुपये दिहाड़ी लेंगे। दूसरी मांग हमारी, जितना भी मनरेगा में मेट काम करता है उसको पक्का किया जाए, क्योंकि जब तक मनरेगा विभाग पक्का नहीं होगा तब तक काम ठीक से चल नहीं सकेगा। इसी प्रकार हम कह रहे हैं गरीब आदमी मनरेगा जो कसी लेके तासला लेके जाता उसे गरीब नहीं, आयुष्मान भारत में जोड़ो, 5 लाख रुपए का इलाज हम उनसे लेके मानेंगे। इसी प्रकार हम कह रहे हैं बीपीएल का सवाल है, कैटल साइड का सवाल है, और सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये है कि मनरेगा पे साइट पे काम करते हुए यदि मौत हो जाती है 25,000 रुपये देते हैं। क्या ये मजदूर बकरी का बच्चा समझ रखा है इस सरकार ने? जब यही मजदूर खेती पे काम करने जाता है 5 लाख मिलते हैं, यही मजदूर भवन निर्माण पे काम करने जाता है 5 लाख। हम ये कह रहे हैं 25 लाख रुपये लेंगे, एक सरकारी नौकरी लेंगे और पूरा काम और पूरे काम के पूरे दाम। अभी ये ऐप लेके आइए, पूरे दिन काम करते हैं, ऐप नहीं चलेगा, यानी कि वाईफाई का कोई नहीं है, छोटे छोटे फ़ोन है मेट्रो के पास, काम भी कर दिया और दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी। कहाँ कहाँ से आप आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं? हिसार जिले से आए हैं सर, आसी तहसील के प्रधान सुमन बाटोल जाटान से सर। कई 5-6 साल से हम सब ट्राई कर रहे हैं, मजदूर बहुत परेशान हो रहे हैं, किसी को उनको किसी भी प्रकार की मोदी साहब जी खट्टर साहब जी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना खट्टर साहब जी हमको कोई सुविधा दे रहे हैं। साइड पर जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है, इलाज का कोई प्रबंध नहीं करते हैं, ना ही हमारी दिहाड़ी टाइम पर देते हैं। मेट की साल दो साल से दिहाड़ी रुकी हुई है और मजदूर के पैसे भी रुके हुए हैं। 300 रुपये हमें दिए जाते हैं, 300 में से भी बीच में हाजिरी हमारी काट ली जाती है और उसमें से भी 100-100 रुपये, कभी तो 100-100 रुपये भी हमारे खाते में आए हैं। क्या जी हम मजदूर हम कैसे गुजारा चलाएंगे? खट्टर को सोचना चाहिए कि वो बैठे तो है आराम से, आ जाके देखे हम मैदान में उतर चुके हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इंडिया 24 न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, अब सब्सक्राइब करें। जय भीम।